गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं आपका दोस्त सोनू शाह आपको हमारे यूट्यूब चैनल साद अटैक में स्वागत करता है अगर इस चैनल में कोई नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे बने रहें तो आप लोगों को पता है कि ये हमारा जो चैनल है वो लोकोमोटिव डीजल इंजन के बारे में बताता है तो आज मैं अपने चैनल के थ्रू आपको एक इंजन के महत्वपूर्ण भाग इंजेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि फ्यूल इंजेक्टर जो होता है उसके बारे में ठीक तो फ्यूल इंजेक्टर होता क्या है कि इसमें जो है इंजन के अंदर में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है मतलब फ्यूल को डाला जाता है ठीक ये जो है जब हमारा कंबेंसन चम्बर में जब इंजन को कंप्रेस ये बाहर से जो हवा आती है उसको जब पिस्टन द्वारा कंप्रेस किया जाता है तो वहाँ पे जो हवा को जो है 500 सौ डिग्री सेल्सियस पर कंप्रेस किया जाता है ठीक और उसी समय जो है हमारा फ्यूल इंजेक्टर जो है तीन हज़ार से साढ़े चार हज़ार के आसपास में वो जो है प्रेशर से डीजल को इंजेक्ट करता है ठीक जिससे कि जो है डीजल जो है हवा में मिलके वो पावर जनरेट करता है मतलब आग लगता है जिससे पिस्टन नीचे जाता है और वो पावर जनरेट करता है ठीक यही है और जो है ये ज... अब इसका जो है ना क्या बोलता है इसका जो मुख्य भाग है वो है नोज़ल है नोज़ल जो कि इसके नीचे में लगा हुआ रहता है जहाँ पर नौ रह रहते हैं उसको नोजिल कहा जाता है ऊपर वाले ये पूरे को जो है इंजेक्टर बॉडी ये जो है ना ऊपर से लेके नीचे वाले को इंजेक्टर बॉडी कहा जाता है और इसके अंदर में लगे होते हैं नोजिल स्प्रिंग सेफ्टी कप ओवरफ्लो ठीक अब बात यहाँ से ये हो जाता है कि इसके ऊपर में जो लगे हुए रहते हैं वो उसको कैप नट कहते हैं इसके दो भाग होते हैं एक ऊपर वाला एक नीचे वाला नीचे वाला जो भाग है वो थोड़ा पतला रहता है ऊपर वाले के तुलना में तो नीचे वाले पतले भाग को हम लोग नोजिल कहते हैं और ऊपर वाले को कैपनट कहते हैं ठीक और इसके अंदर में जो है ना स्पिंडल लगा होता है नोजिल स्प्रिंग है प्रेशर इंजेक्टिंग स्क्रू लगे रहते हैं ठीक अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है जब हमारा जो है ये इसे जो है एक इंजेक्टर में सामान्य स्थिति में सेट किया जाता है ठीक नोज़ल स्प्रिंग के माध्यम से सीट में लगा रहता है ठीक और जो है डीजल निश्चित समय पर फ्यूल इंजेक्शन पंप से इंजेक्ट के फ्यूल इनलेट मार्ग से बॉडी के अंदर बने फ्यूल पैसेज में आ, आता रहता है जो हमारा हाई प्रेशर लाइन होता है उसमें जो है एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है जिसके कारण वो सेट रहता है जब हमारा पिस्टन मूव करता है तो वो स्प्रिंग जो है अप डाउन अप डाउन करता है इससे क्या होता है कि नीचे से जो फ्यूल जाता है मेरा स्नोपर वाल्व के द्वारा प्रेशर बनाते हुए जाता है ठीक और जब ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक में जब पिस्टन जो है हवा को कंप्रेस कर देता है तो काफ़ी गर्म रहता है ठीक वहाँ पे जब फ्यूल इंजेक्टर का जो वो फ्यूल छिड़काव करता है तो वो छोटे 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 कण में विभाजित रहता है जिससे कि आसानी से जो है वो हवा में घुल जाता है और वो पावर जनरेट करता है मतलब आग होता है ठीक आप लोग इसके साथ एक और सुने होंगे फायरिंग ऑर्डर जब जब इसका बात होता है फ्यूल इंजेक्टर चेंज करने का तो उस समय बोला जाता है कि आप लोग जो है ना फायरिंग ऑर्डर भी चेक कीजिए फायरिंग ऑर्डर मतलब होता है क्या कि कब जो है हमारा ये इंजेक्टर जो है तेल छिड़काव करे ठीक ये जो है हमारा कब तेल छिड़काव करे उसी को फायरिंग करते हैं ठीक क्या कि जब हमारा इंजेक्टर तेल छिड़काव करता है तो वो जो है एयर से मिल वो आग जनरेट करता है ठीक उसी कहता है फायर अब जब फायरिंग ऑर्डर का बात आता है तो इसमें ये आता है कि कौन सा नोज़ल जो है पहले आग लगाएगा इंजन में मतलब पावर जनरेट करेगा ठीक उसी को मिलाने के क्रम में इसको जो है फायरिंग ऑर्डर कहा जाता है कि कौन सा पहले करेगा कौन सा इसके बाद करेगा कौन सा इसके बाद करेगा ऐसे डब्ल्यू डी एस सिक्स में छः सिलेंडर होते हैं तो इसका जो है फायरिंग ऑर्डर पहले आता है एक उसके बाद चार उसके बाद दो फिर छः और फिर तीन और पाँच ये वे ये होते हैं ये डब्ल्यू डी एस सिक्स लोकोमोटिव डीजल इंजन का फायरिंग ऑर्डर इसका मतलब पहले एक में फायरिंग करेगा उसके बाद चार में उसके बाद दो में फिर छः में फिर तीन और फिर पाँच में ठीक आज आप लोगों को मैंने बताया इंजेक्टर क्या है और ये फायरिंग ऑर्डर ठीक अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें थैंक यू